हेलो गाइस, मनीष पांडे और वाचिंग डिप्लोमा ट्रेंड्स। और इस वीडियो में हम बात करेंगे लेटेस्ट अपडेट के बारे में कि MHRD जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है यानी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट भारत सरकार जो है उसकी तरफ से एक नया निर्देश आया है। हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री जो रमेश पोखरियाल जी हैं उनके द्वारा आया है कि 50-50 वाले कॉन्सेप्ट पे हम बात करेंगे कि जो 50-50 कॉन्सेप्ट है नंबर देने का, और यूनिवर्सिटीज़ के जो लड़के हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले, थर्ड ईयर वालों को तो मान लीजिए एग्ज़ाम तो देना है, फाइनल ईयर वाले चाहे वो डिप्लोमा के हों, बीटेक के हों या फिर फाइनल वाली एग्ज़ाम है तो आपको एग्ज़ाम देना होगा। बाकी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के 50-50 मार्किंग का मतलब क्या है, काफ़ी लोगों के मन में सवाल चल रहा होगा। एक पैटर्न तो होगा ना इसका, उस पैटर्न के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, 24 अप्रैल को तेलंगाना सरकार ने अनाउंस कर दिया था कि केवल फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं हमारे यहाँ, जो भी यूनिवर्सिटीज चल रही हैं तेलंगाना में, जो भी BA, MA, जो भी बैचलर डिग्री हो, मास्टर डिग्री हो, जो भी कोर्स हो रहा है उसमें जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, उन्हीं का केवल एग्ज़ाम होगा, बाकी लोगों को 50-50 मार्किंग के तहत पास कर दिया जाएगा। मई के शुरुआती दिनों में महाराष्ट्र सरकार ने भी अनाउंस कर दिया कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स जो हैं एग्ज़ाम देंगे और अन्य लोगों को 50-50% मार्किंग के द्वारा पास कर दिया जाएगा। तो 50-50% मार्किंग जो है हर चीज़ में कॉमन निकल, 50-50% मार्किंग जो है एक बेस्ड मार्किंग होता है, वो उन हालातों में यूज किया जाता है जिन हालातों में एग्ज़ाम नहीं होते हैं या फिर किसी कारणवश एग्ज़ाम जो है टल जाता है या फिर कुछ ऐसी कंडीशन जो आप खुद समझ सकते हैं जो COVID-19 इसमें उत्पन्न हुआ है, ऐसे कंडीशंस में जो है एक समझ लीजिए एक कानून बनाया गया है उसमें आप 50-50% जो है दिया जाता है। और इसका जो पूरा का पूरा पैटर्न होता है चलिए हम उसको विस्तार से समझेंगे। तो 50-50% मार्किंग में सिंपली यही है कि प्रीवियस सेमेस्टर ईयर में अगर सेमेस्टर एग्जाम होते हैं तो ठीक है, लाइक जैसे हमारे डिप्लोमा में होते हैं, लेकिन डिप्लोमा के लिए अभी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई है। अगर सेमेस्टर पिछले सेमेस्टर के एग्ज़ाम या फिर पिछले ईयर के एग्ज़ाम में आपका जितना मार्क था ओवरऑल उसका हाफ मार्क आपको दे दिया जाएगा और ग्रेडिंग निर्धारित कर दी जाएगी। और इंटरनल एबिलिटीज इस बार जो आप दिखाएं अपने कॉलेज में या फिर अपने जो भी सेशनल एग्जाम, मिड सेम का एग्जाम हुआ होगा, मिड ईयर का एग्जाम हुआ होगा, तो इन सब चीज़ों के मार्क्स जो हैं उनके आधार पे 50-50% इंटरनल में प्रेजेंस कितना है क्लास में, आप कितना ज़्यादा अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाते हैं, कितने अच्छे से दिखा पाते हैं, हर चीज़ में कितनी आपकी एबिलिटी होती है, सेशनल आपको कितना मिलता है उस हिसाब से 50% उसमें मिल जाएगा, 50% प्रीवियस एग्जाम के मार्क्स होंगे, दोनों को ऐड करके आपको प्रमोट किया जाएगा। और इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सभी लड़के इस वाले पैटर्न में भी पास होंगे, आपका भी इसमें मार्क कम आ सकता है, आप इसमें फेल भी हो सकते हैं, कुछ लड़कों के साथ ऐसा हो सकता है, क्योंकि यह एक मैथमेटिकल पैटर्न पे आपको नंबर दिया जाएगा और सभी लड़कों के लिए अप्लाई होगा तो बराबर रूप से अप्लाई होगा और उसमें कई लड़के फेल भी होंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि सभी को पास कर दिया जाएगा 50-50% से, इसमें आप फेल भी होंगे। अब फेल बच्चों के लिए क्या होगा, जिनका मार्क्स कम होगा, सबसे पहले हमें जान लेते हैं, जिनका मार्क्स कम होगा वो एबल होते हैं दोबारा एग्जाम दे करके अपने ग्रेड को बढ़ा सकते हैं, अपने मार्किंग अपने मेरिट को बढ़ा सकते हैं, इसके लिए एबल होंगे और उनके मार्कशीट पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। और जो लोग फेल होंगे उनके लिए ATKT फार्मूला आप जानते ही होंगे, हम फिर स्पेशल बैक पेपर देते हैं, बैक पेपर देते हैं, इन सब चीज़ों को दे करके वो अपने मार्क्स को फिर सुधार सकते हैं, ये चीज़ भी उसमें अप्लीकेबल होगी। और अगर किसी ने प्रयोगात्मक परीक्षाओं में या फिर सेशनल के लिए जो छोटे मोटे टेस्ट कराए जाते हैं उसमें कोई एब्सेंट है तो ये भी उनके लिए बहुत ही बुरी खबर है, इसका भी असर उनके इस वाले मार्किंग पे पड़ेगा। खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको एकदम सिंपली पास करना ही है, इसमें लोग फेल भी हो सकते हैं और आप नंबर भी कमा सकते हैं। तो इसको आप जा करके आने वाले सेमेस्टर में लॉकडाउन ख़त्म होगा, शायद कोरोना से हमें मुक्ति मिल जाए, तो मुक्ति मिलने के बाद जो है अब जब भी लॉकडाउन खुलेगा तो उसके बाद जो है आप एग्ज़ाम देंगे और तब आप एग्ज़ाम में पास करेंगे, तब जाके आपको रिजल्ट मार्कशीट सर्टिफिकेट आपको दिया जाए। सो गाइस, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप डिप्लोमा ट्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किसी भी अपडेट के लिए अगर आप बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन BTUP में हैं या फिर कहीं से भी डिप्लोमा कर रहे हैं भारत में तो आप हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है, आप वहां से हमसे जरूर ऐड होइए। और किसी भी अपडेट के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।